पिछली क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स की कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जनरली क्या हुआ? कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या हुआ? सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप था वो ब्रेक होकर सी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो उस पर सी के साथ नेगेटिव पार्ट और ओ के साथ पॉजिटिव पार्ट ऐड हो गया। ऐड होने से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के कंपाउंड बन रहे थे। क्या ऐसा कोई कंपाउंड बना था जिसका नाम कीटल हो? हाँ, इसी से ही एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, इस टाइप के कंपाउंड भी फॉर्म हुए थे। क्लियर है ना? वो सारी रिएक्शंस मुझे लगता है कल कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो लिखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इनमें भी पहला देखिएगा, ठीक है, ठीक है, लिखिए। इसमें भी ए बनाइए पहले, तो ये तो बड़ा सा आपने, सेकंड वाला मतलब ये दूसरे टाइप की रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है ना। बहुत अच्छे, इसमें भी हम लोग का ए पार्ट बनाना है। पहला, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, पहली बात तो बार बार कह रहा हूं कि ये एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, अब एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव की अगर बात करेंगे तो किस तरह से, बहुत ध्यान सुनिएगा, अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनको कि अमोनिया से बनाया जाता हो। अमोनिया से बने हुए कैसे कंपाउंड? जिनमें कि अमोनिया का एक एच, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3 का एक एच हटाकर उसकी जगह कोई और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या कोई और एटम अटैच कर दिया गया हो तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात ध्यान से, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, उसमें तीन एच है, तीन में से कोई एक एच हटाकर उसकी जगह कोई ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या कोई एलिमेंट अटैच कर दिया गया हो तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर है? तो उस अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन जब हम लोग किसके साथ कराते हैं? एल्डिहाइड कीटोन के साथ, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ तो दोनों में मिलेगा ना, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप के साथ जब हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन किस तरह से होगा? ऐसे, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो भी आपको ग्रुप दे रखा होगा, जो भी कंपाउंड दे रखा होगा, आप उस कंपाउंड को इस तरह से अपने मन में ब्रेक कर लेंगे। कैसे? ये NH3 ही है लेकिन NH3 का एक एच हटा के उसकी जगह क्या जोड़ा गया है? Z, NH2Z। समझ में आ रही बात ना? ये ऐसे समझिए कि यहाँ N के इधर H, इधर H और इधर एक एच हटके उसकी जगह क्या जुड़ा है? Z है। क्लियर? तो जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे यानी एडिशन होगा, तो किस तरह से एडिशन होगा? सबसे पहले ये रिवर्सिबल एडिशन होगा क्योंकि अनस्टेबल बनता है। किस तरह का एडिशन होगा? ये जाकर इस पर अटैक करेगा, और जब ये जाकर इस पर अटैक करेगा तो आप मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट इस कंपाउंड के अंदर आएगा, इसकी बात करूंगा। तो हाइड्रोजन को हटाकर आप कुछ भी अटैच कर रहे हो तो वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन के कंपेरिजन में कैसा होता है हाइड्रोजन? पॉजिटिव। तो इसको हटा के इसकी जगह कोई ना कोई पॉजिटिव करेक्टर लाए होंगे आप, तो जो पॉजिटिव करेक्टर आया होगा उसको छोड़ दो। नाइट्रोजन कैसे करेक्टर का है? नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या रहा होगा? डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर क्या कह सकते हैं हम लोग? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ। और ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहा होगा? यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ सॉरी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव। तो बताओ क्या बन जाएगा? हम बोलेंगे सर ये बन जाएगा सी के साथ, बताओ क्या? NH2। सी के साथ NH2, ओ के साथ ZOZ। जरा देखिए ऐसा कुछ है क्या? NHZ नहीं। अब सुनिएगा एक बड़े काम की और बात है, NHZ में ऐसे नहीं तोड़ना है इसको, बल्कि ऐसे तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, देखिए, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। HN और ये इधर है मान लीजिए क्या Z, और ये H है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे।
एच और एन एच जेड में तोड़ेंगे, एच और एन एच जेड, और एच और एन एच जेड में तोड़ेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट सी के साथ और ये वाला पार्ट ओ के साथ क्या बनेगा, सी ओ एच, और इसके साथ क्या बन जाएगा, एन एच जेड। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर, एकदम आसान सा प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट बना इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। टेट्राहेड्रल क्यों है ये, क्योंकि नाइट्रोजन सॉरी कार्बन यहां हो गया और ये जो इसके चारों तरफ बॉन्ड बने ये इधर आर आर उधर ए एच और इधर आपका क्या एन एच जेड, तो ये टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसकी चिंता मत करो, क्या सोचना उस बारे में, क्या करना होगा, इसमें से वाटर को रिमूव करा दो। क्या इसमें से वाटर रिमूव होने की संभावना नजर आ रही है? हाँ सर आ रही है। क्या हो सकता है, कैसे हो जाएगा वाटर रिमूव, यहाँ से H और यहाँ से OH अगर निकाल दें तो एक बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा और एक N का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन कहेंगे हम आपस में क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा सी एन जेड और प्लस साथ में ये क्या जो एच टू ओ बाहर आ गया वो बाहर। ये सुनने में देखने में यहाँ थोड़ी मुश्किल लग रही है, अदरवाइज एकदम आसान होगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा, एकदम आसान है। एक बार फिर से सुनो क्या बोला मैंने, कार्बोनिल ग्रुप पर अमोनिया के डेरिवेटिव का अटैक होगा, अमोनिया का जो भी डेरिवेटिव हो उसमें से एक हाइड्रोजन को अलग कर लीजिए और बाकी डेरिवेटिव को अलग कर लीजिए, हाइड्रोजन पॉजिटिव और बाकी का डेरिवेटिव जो है बचा हुआ जो टर्म है वो नेगेटिव, कार्बन के साथ नेगेटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव वाला पार्ट जोड़ दीजिएगा, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इस अनस्टेबल प्रोडक्ट से वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये एक प्रोडक्ट बन के आएगा जिसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट। क्लियर है, अभी इसका नाम वाम कुछ नहीं है, मैं अभी सबके नाम बताऊंगा, बात समझ में आ गई, ये तो हुई मैकेनिज्म, लेकिन आप इसके चक्कर में ना पड़ो, एकदम आसान, एकदम आसान, क्या H2NZ खत्म बात, जो भी दे रखा हो आपको, जैसे सपोज कर लीजिए अमोनिया ही दिया हो, क्या दिया हो अमोनिया, तो अमोनिया में क्या होगा NH3 में से H2 अलग और NH अलग कर लीजिए, मतलब ये वो वाला तरीका है। मैंने फिर कह रहा हूँ ये मैंने आपको बताया है कि हुआ कैसे है रिएक्शन, ये वो है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे रिएक्शन कंप्लीट, एक सेकंड लगेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्या कैसे, इसका H2 इसका O मिलकर H2O बाहर, बोलिए क्या बनेगा, क्या वही बन गया है जो ऊपर बना है, समझ में आ गई बात, ये H2O कहाँ हो जाएगा बाहर, अमोनिया डेरिवेटिव का H2 और कार्बोनिल कार्बन का O मिलकर H2O को रिमूव कर दीजिए। बार बार कह रहा हूँ ये मैकेनिज्म नहीं है, ऐसे नहीं होती रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे नहीं होती, रिएक्शन वैसे होती है, लेकिन ये क्या है कि आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है फाइनली आपको वो देख रहा है, क्लियर है ना, तो ये ऐसी रिएक्शन दी हुई है बुक में, NCERT में भी ऐसे दिया डायरेक्ट, ठीक है ना, तो आपको C डबल बॉन्ड O के साथ H2NZ की रिएक्शन करानी है, इससे H2 इससे O मिलकर H2O बाहर, बचे यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये NZ मिलकर CNZ, क्लियर है, ये लिख लो ठीक है ना, आसान से रिएक्शन है, आप देखना कितनी आप बढ़िया बढ़िया रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, मन खुश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना, बने हो गया ये, ठीक है, पहली देखिए आप इसमें है ना, लिखिए रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, इसकी फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, अब आपको हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत यही तो, हाँ हाँ ऐसा ही है, ठीक है ना, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा ही है, हाइड्रोक्सिल अमीन, ओके ध्यान रखा हूँ, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब नहीं समझे, ऐसा ही है बिल्कुल है ना, सुनो क्या है, आप नहीं बस भाई एक बात होता, मैं कह रहा हूँ हम एल्डिहाइड और कीटोन की वो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिनमें किसी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, क्लियर, उसमें हमने कई सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी 5 थी तो वैसे ही इस टाइप की भी 5-6 रिएक्शंस होंगी, क्लियर ना, तो उनमें से ये पहली रिएक्शन करने जा रहे हैं। अभी मैंने इसकी एक कॉमन मैकेनिज्म समझाई, कॉमन मैकेनिज्म किस टाइप की, कि अगर कोई अमोनिया का डेरिवेटिव है तो उस अमोनिया के डेरिवेटिव को पहले आप कैसे तोड़ लोगे, H2NZ बना लोगे हर एक को,
कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव दिया उसको क्या बना लेंगे, H2NZ। और उस H2NZ की जब रिएक्शन कराएंगे तो H2 और O मिलकर H2O क्या हो जाएगा, रिमूव। H2 और O मिलकर क्या हो जाएगा, H2O रिमूव, और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, NZ। क्लियर, इतना बेसिक सा है। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलेमीन। कोई आप में से मुझे बताएगा हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला? वेरी गुड, क्या बात है, NH2OH, NH2OH है, ध्यान रखिएगा NH2OH, NH4OH नहीं। NH4OH होता तो क्या होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यह है NH2OH, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O के साथ किसकी रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन। मैंने तुम्हें क्या बताया, उसमें से H2 को अलग करके बाकी NZ बना दो, तो ये क्या बन रहा है पता है, क्या ये ऐसा कुछ है, H2NOH, H2NOH, क्या ये देखो H2NZ जैसा हो गया, तो बस इसका H2 और उसका O मिलकर क्या हो जाएगा, बाहर ये क्या बन जाएगा, बोलो ना, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, ये जो बना है इसी का नाम होता है क्या, ऑक्साइम। ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बना आपका क्या, ऑक्साइम। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब ये नई नई बातें आ रही हों और आप ध्यान से ना सुन रहे हों तो फिर उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अभी यहाँ क्लास में कुछ शोर शराबा तो आप कर नहीं रहे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता, बस इधर वो बैठे होते हैं बस। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट अगर है तो वो अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, ठीक है ना, कि अगर उसको ये लग रहा हो कि ये जो चल रहा है इसको बाद में देख लूँगा, फिर पढ़ लूँगा, फिर कभी नहीं आता, वैसे भी अब इतना समय बचा ही नहीं है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ऑक्साइम। अब देखिए फॉर्मूला HCHO, क्या नाम है इसका, तुरंत बोलो ना यार, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, इसका H2 इसका O निकल के बाहर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NOH, HC डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम पता क्या होता है, मिथेनल ऑक्साइम, मिथेनल ऑक्साइम, इसका क्या नाम है, मिथेनल। CH3CHO, इसका नाम बताओ, इथेनल। इथेनल की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, बोलो क्या बनेगा, यहाँ साइड में लिख दिया करो H2O, H2O रिमूव है ना, बहुत अच्छे, बोलो क्या बन जाएगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड, अरे भाई देखो ना, दिख रहा है ना, इसका H2 और इसका O मिलकर H2O बाहर, CH3C डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, और नाम क्या हो गया यहाँ, H, हर एक का नाम ऑक्साइम ही होता है, बस क्या करना है उसके आगे, जो रिएक्टेंट है उसका नाम लिखो, साथ में ऑक्साइम लिख दो, इथेनल ऑक्साइम, प्रोपेनल ऑक्साइम, ब्यूटेनल ऑक्साइम, ऐसे नाम होते हैं उनके। क्लियर, बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपका क्या, इथेनल ऑक्साइम या फिर एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, छोड़ो ना, सीधे स्टोनिक उठा लेता हूँ, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री प्लस एच टू एन ओ एच, बताइए क्या बनेगा। तो कहेंगे भैया ये एच टू ओ बाहर, क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री। आप इसके दो नाम लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे एसिटोन ऑक्साइम या फिर लिखेंगे प्रोपेनॉन ऑक्साइम, समझ गए ना, भूमिका पास समझ में आ रही है, पक्का, बहुत अच्छे। मुनज़्ज़त में समझ में आ रहा है, ठीक। एक कंपाउंड का अमोनिया डेरिवेटिव का H2 और एल्डिहाइड का O लेकर H2O को क्या कर दीजिए, बस रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों करते हैं रिएक्शंस, एल्डिहाइड भी करता है और कीटोन भी करता है, हो गया, थोड़ा तेजी से हाथ चलाओ बच्चों। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद हाइड्राजीन,
रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला कोई बताएगा? हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2, 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 ठीक है ना। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2, NH2, ठीक है। वॉल्फ किशनर बाद में देखेंगे, अभी इसको छोड़ो, बता दो इसको, ठीक। हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बार बार कह रहा हूँ, देखिए। तो भाई देखो R, अरे छोड़ो R बार क्या, सीधे रिएक्शन ही कराते हैं। H CH O क्या है ये? अरे भाई बताओगे क्या है? फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ? अब बताओ इस NH2 में से क्या करोगे? H2NZ, हर बार उसको इस फॉर्म में बदल लेंगे बस। किस फॉर्म में? H2NZ। व्हाट इज Z भाई? H2 और N को छोड़कर जो भी बचा वो Z, समझ गए? तो इसमें तो ये H2N है ना, ये है H2N, तो ये बचा हुआ क्या हो गया? Z। तो मतलब इसको मैंने लिख दिया H2N NH2, नहीं समझे? H2NZ, क्या दिक्कत है इसमें? तो इसका H2 और इसका O मिलकर क्या हो जाएगा? रिमूव। बोलो क्या बनेगा? HHC डबल बॉन्ड NNH2, नहीं समझे? क्या बताया, बार बार कह रहा हूं, हर एक में अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो आपको उसमें क्या करना है? H2NZ। तो ये मैंने क्या किया, NH2 में से H2NZ, समझ गया ना? H2NZ, क्लियर। तो उसमें से मैंने H2 को एक तरफ कर दिया, O के साथ लेकर के H2 को बाहर कर दिया, जो ये Z बचा वो Z कहाँ हो गया? C डबल बॉन्ड NZ, क्लियर है? जो बना है इसका नाम होता है हाइड्रोजोन। क्या नाम होता है? हाइड्रोजोन। कुछ भी बने हो उसका नाम हाइड्रोजोन, बस क्या करना है उसके आगे रिएक्टेंट का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ क्या है बोलो? मिथेनल। क्या है ये? मिथेनल। तो ये क्या बना होगा? मिथेनल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन से बना हाइड्रोजोन, बस इतना याद रखना है। हाइड्रोजीन से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम हाइड्रोजोन, ठीक है ना? ओके, ये जो है इसका नाम क्या है? हाइड्रोजीन है, बार बार कह रहा हूँ, ये यहाँ पर हाइड्रोजीन, समझ गए? CH3CHO प्लस H2NNH2, बोलिए क्या बनेगा? सर H2 रिमूव हो जाएगा, वही पुरानी कहानी, CH3C डबल बॉन्ड NNH2, और ये क्या हो जाएगा? H, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? इथेनल हाइड्रोजोन। भाई इसका, इसके साथ में क्या भी बनेगा? H2O। इसके साथ क्या भी बनेगा? H2O, ठीक है। ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन H2N NH2 के साथ क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन हाइड्रोजन या फिर एसीटोन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोट लीजिए, जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना। हो गया यहाँ तक? मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैं मशीन हूँ। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, लिखे रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, थर्ड है ना शायद ये, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर आप थोड़े से भी समझदार है तो आप जान गए होंगे कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नाम हो जाएगा? नाम कह रहा हूं, नाम फिनाइल हाइड्रोजोन, और उसके आगे बस रिएक्टेंट का नाम, ठीक है। जैसे देखिए, अब फिनाइल हाइड्रोजीन का पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला H2NN C6H5,
H2NZ, नहीं समझे? C6H5NH2, C6H5, हाँ एक एच और होगा, N C6H5, समझ गए? देखिए H2NHNC6H5, हाँ लो हटा दिया, और बताओ ये ठीक है C6H5NH NH2, ठीक है, लेकिन इसको मैं H2 लूंगा, इसको H2, ठीक है, आ जाओ HCHO प्लस, इसका लिया मैंने H2N NH C6H5, अब बताओ गलत तो नहीं है? H2N मैंने उधर से उठा लिया ना, H2N NH C6H5, क्लियर? H2N Z बन चुका, तो जो बना है उसके हिसाब से H2O रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव तो क्या बनेगा? HHC डबल बॉन्ड, अब बताओ NNHC6H5, इसका नाम क्या है? मिथेनल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनल फिनाइल हाइड्रोजन, मिथेनल फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, जिससे बनवा रहे हैं जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन है, जो बनेगा वो तो हाइड्रोजन बनेगा ना, हाइड्रोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन, ठीक है, नेक्स्ट H2N NH C6H5 क्या बनेगा? हाँ वेरी गुड, देखिए ये बनेगा कुछ प्लस, साथ में क्या बनेगा? H2O, हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, मिथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन, और नीचे वाला क्या है? प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्रोजन, प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्रोजन, अरे भाई इतने तगड़े तगड़े नाम याद नहीं हो रहे क्या आप लोगों के? एकदम आसानी से याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एसीटोन ले लो, हर बार बोला मैंने वहाँ भी बच्चे, क्या तो लिखेंगे एसीटोन फिनाइल एसीटोन हाइड्रोजन, ये लिखेंगे प्रोपेनॉन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हर बार बोला है वहाँ भी, तो आपकी बात जानबूझ के लिख दिया, तुमने एसीटोन बोला तो मैंने ये लिख दिया, ठीक, वो तुम्हें चढ़ा रही है ऐसे क्या क्या करके, ये देखो तुमने ऐसा बोला तो सर ने ऐसा किया, क्या कर सकते हैं निशा, चलो ध्यान दो, है ना, बड़े चौथा देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है भाषण में आ रही होगी मुनासा फॉल से, सबसे मेन मेन कारण क्या है, मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि आपको जो जिससे रिएक्शन करा रहे हैं ना उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन का बताओ, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH या H2NOH, H2NOH, हाइड्रोजन का बताओ H2NNH2, H2NNH2, क्लियर, फिनाइल हाइड्रोजन का बताओ C6H5NH NH2 या H2N NH C6H5, H2N NH C6H5, क्लियर, ऐसे याद करने से ना H2N NH C6H5 फायदा मिलता है कि H2O को बाहर करो, जो बचा उसको पूरे को जोड़ दो C के साथ डबल बॉन्ड में, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद 2.4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन,
इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, इसको कहते हैं ब्रेडीज रिएजेंट, ब्रेडीज रिएक्शन विद 2,4 रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। इसी को ये ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या क्या कहते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट, इसी को क्या भी कहते हैं, डीएनपी, क्या कहते हैं, डीएनपी, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, डीएनपी मतलब डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्लियर है, डीएनपी, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या होता है फॉर्मूला, है ना, ये क्या है भाई, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। आप मुझे फिनाइल हाइड्रेजीन का पहले बताओ, सर फिनाइल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला होता है C6H5 NH2, याद है, यही तो होता है। अब अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, तो यहां पर क्या NO2 और यहां पर क्या NO2, क्या हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये इसका फॉर्मूला हुआ DNP का, बार बार कह रहा हूं, ये दोनों नाइट्रो हटा दो तो ये किसका फॉर्मूला है, फिनाइल हाइड्राजीन H2N NH C6H5, नहीं समझे, H2N NH C6H5, इससे ज्यादा आसान शायद मुझे नहीं लगता, अभी तक हमने जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है शायद इससे ज्यादा रिएक्शन आसान कोई रही होगी, सिर्फ फॉर्मूले याद हो, कुछ भी नहीं करना है भाई, हर एक फॉर्मूले में H2NZ बन जाएगा, H2N के साथ कुछ भी जुड़ा हो Z है, H2N के साथ कुछ भी जुड़ा हो क्या है, Z है, तो H2O को बाहर कर दो, NZ को C के साथ जोड़ दो, खत्म हो गया, नहीं समझे। तो अगर अभी भी इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है ना, तो प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी दूर कर लो, नहीं तो ये सारी रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी, मैं कहूँगा ये मामला कंप्लीट, अब अगली किसी तरफ बढ़ते हैं तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर क्या फायदा, अभी समझ लो, ये हो गया, क्लियर हो रहा है, चलो जी, चलो तो फिर रिएक्शन करवाओ, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताओ पहले, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनल, इथेनल, इथेनल की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, H2N NH, क्या हुआ ये बताओ, ये क्या है पहले भी बताओ, क्या है ये है फिनाइल हाइड्राजोन, ये है फिनाइल हाइड्राजीन H2N NH C6H5, नहीं समझे, बहुत अच्छे। अब अगर यहां मैंने जोड़ दिया क्या NO2 और यहां मैंने जोड़ दिया क्या NO2, अब क्या बन गया ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्लियर। तो देखने में बहुत टफ लग रहे हैं ये, किसी को डायरेक्ट ये रिएक्शन दिखा दो, अरे भाई तुम इतने भयंकर रिएक्शन याद कर लियो, तो देखने में टफ लग रहा है, लेकिन इतना टफ है नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान वाली याद होना मुश्किल है, बल्कि है ना जो देखने में आसान लगती हैं, ठीक है। तो अभी तो क्या करना है बताओ, यहां से ये H2 और ये O लेकर H2O रिमूव, बोलो क्या बचा, जो बचा उसका नाम क्या होगा, ये बन गया C डबल बॉन्ड, बोलो C डबल बॉन्ड, क्या जोड़ दोगे, बस ये उठा के जोड़ दो उसके साथ, क्या सर NNH, फिर इसके साथ ये क्या, ये बेंजीन रिंग, ये यहां पर क्या NO2, ये यहां पर क्या NO2, नहीं समझे, लो बन गया, क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा सर इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, बस जीन को जोन कर देना है, समझ गए ना, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनल 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्लियर हो गया काम, एक और बना लो, मिटा देना उसको, इसी को ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं भाई,
H2NNH हो गया। क्या बच्चे ठीक है, आगे बताइए क्या बन गया है? ये बनेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड O? नहीं, डबल बॉन्ड O तो हटा दो, बस क्या जाएगा N NH, फिर इसके साथ यहाँ पर क्या, ये बेंजीन रिंग, ये यहाँ पर क्या NO2, ये यहाँ पर क्या NO2, यहाँ पर क्या एसीटोन 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। कर लो ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करोगे भाई? कर लो, हो गया। दुष्यंत समझ में आ रहा है ना? शुभम यार मैं भी तो लिख रहा हूँ। अच्छा देखो, मैंने अभी 2 मिनट पहले ये लिखा, नहीं सुनो, मैंने ये इतना बड़ा नाम लिखा, फिर ये दोबारा फिर लिखा, मैं आलस नहीं कर रहा हूँ तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? मेरे प्यारे, मुझे तो मार्क्स भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो मार्क्स चाहिए अभी, मुझे तुमसे कोई मार्क्स नहीं चाहिए। मैं ये कह के काम चला सकता हूँ कि अब नाम अपने आप लिख लेना, लेकिन मैं बार बार लिखवा रहा हूँ अब। लेकिन शुभम मुझे कह रहा है कि नहीं मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं लिख रहा है, वो दिख गया, बस एक नज़र ही देखने पर समझ में आता है। जो लिख रहा है वो भी अधूरा लिख रहा है ना, इतना आलस है कि ये नहीं बना रहा है कहीं भी। दिखाओ कहाँ, देखो कहाँ बने, बता बना है क्या यार, क्या बात कर रहा है यार। अच्छा मुझे लेकिन वही दिख रहा है, सच में मजाक नहीं, जहाँ तुमने बनाया वो नहीं दिख रहे हैं, जो जहाँ नहीं बना वो दिख रहा है सिर्फ। और यही एग्जामिनर की और टीचर की पहचान होती है, उसको वही चीज़ दिखती है जहाँ गलती होती है। सही करते रहोगे नहीं दिखेगा, गलत जगह पे एकदम चली जाती है। अच्छा ठीक है, ये गलत है ना, तो मान लो है ना, तुम तो यही सब करना, बस पढ़ना वढ़ना नहीं है, गधा कहीं का है ना। तो अब पढ़ लिया करो, इतना खुराफात में दिमाग लगाता हूँ, पढ़ाई में लगा लिया करो, मिटाओ इसको। नहीं तो हो गया ना। अच्छा ऊपर वाला तो मिटा देता हूँ ना भाई, लिखो रिएक्शन विद सेमी कार्बेसाइड। भाई कितने प्यारे प्यारे से नाम आ रहे हैं ना, एकदम लग रहा है डॉक्टर वाला फील आ रहा है कि हाँ हम कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विद सेमी कार्बेसाइड, रिएक्शन विद, हाँ पांचवी रिएक्शन है भाई, रिएक्शन विद सेमी कार्बेसाइड। कोई बताएगा सेमी कार्बेसाइड का फॉर्मूला? हाँ वेरी गुड, सेमी कार्बेसाइड का फॉर्मूला सेमी कार्बेसाइड। भाई वंशिका के अलावा कोई और नहीं बता पाएगा क्या? यही समस्या है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो तुम लोग तो मुझे एकदम परेशान करके रखे हो, हालत खराब कर रखी है मेरी। हाँ पढ़ा दिया, मतलब ये चैप्टर हो गया। तो कराते क्या है भाई फिर? बच्चे एनसीईआरटी में भी है ये, अब मैं क्या करूं तुम्हें? अच्छा एक बात, वो मैं अपने तरफ से पढ़ा रहा होता तो उसको क्यों पता होता फिर? उसको भी पता है ना भाई, फिर भी इतना, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है भाई, ये है ही, तो मेरे बच्चे ये है, तुम्हारे सिलेबस में भी है। अरे यार अभी सुनो, अभी 2 मिनट पहले मैंने 11th क्लास में एक चीज़ एक्स्ट्रा बता दी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, मैंने कहा ये फॉर्मूला खाली याद कर लेना। वो यही हुआ कि वो तुम्हारी क्लास थोड़ी सी लेट किस लिए हो गई, वो मैं फॉर्मूला बता के क्वेश्चन कराने के चक्कर में लग गया, सबके चेहरे पे एकदम जब जा रहा है एकदम मायूसी आ गई है। भैया ठीक है मान तो लेंगे आपकी बात, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, समझ गए ना? हाँ वो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो वो रेजिस्टेंस दूर करने के लिए आपको तो बताना ही पड़ेगा ना फिर। कैसे एनसीईआरटी, मतलब मैं कोई भी चीज़ एकदम शॉर्ट में मेरे पास हो, मैं इसको सिर्फ तुम्हें डिक्टेट कर दूँ, क्या मिलेगा उससे?
तो खाली डिक्टेट थोड़ी ना करना है कि बस आप लिख लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्या कहा जाए। चलो तो रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला होता है भाई, अच्छा अभी तक मैंने आपको कहा H2NNH होता शायद, H2NNHCONH2। देखिए ध्यान सुनो, सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला सुनो भाई सुनो, अच्छा सुनो ना, NH2CONH2 यूरिया हुआ करता है, उसी जैसा ही है ये NH2CO, यहां NH2 ना होकर NH और उसका एक H हटाकर उसकी जगह ये Z, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन क्या नाम बनेगा आप तो सीधे याद रखो, H2N NH CONH2, जैसे NH2CONH2 होता है ना, NH2CONH2 यूरिया होता है, ठीक है ना, उसी सारे तो वैसे ही कंपाउंड, वो भी तो नाइट्रोजन कंपाउंड है यूरिया, और ये भी नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है, ठीक है ना। तो क्या नाम है, H2N NH CONH2। अब तक हमने जितने भी देखे सारे ऐसे ही तो हैं यार, पहले वाले से वापस करो, पहले वाले से रिपीट करो, हाइड्रोक्सिलामीन क्या होगा, H2NOH H2NOH, हाइड्रोजन पे आ जाओ H2N NH2 H2N NH2, हाइड्रोजन फिर क्या था, फिनाइल हाइड्रोजन पे आ जाओ H2N NH C6H5, तो फिनाइल बन गया उसकी जगह पर, समझ गए। फिर उसके बाद 2,4-dinitrophenyl, वो तो वही हो गया, समझ में आ रहा। अब बस ये H2N NH CONH2 सेमी कार्बेजाइड, इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका नाम होगा सेमी कार्बेजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, सेमी कार्बेजाइड से कार्बेजोन, समझ गए ना। बाकी सिर्फ नाम क्या आगे, मतलब सब कुछ जो भी बनेगा उसका नाम क्या ही लिखना है, सेमी कार्बेजोन, लेकिन उसके आगे बस रिएक्टेंट का नाम लिख देना है, समझ गए ना। बहुत अच्छे, जैसे देखिए CH3CHO एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, H2N NH CO NH2, जैसे मैं बोला ऐसे तुम्हारे भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए ना, H2N NH CO NH2, ठीक है हो गया, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल के बाहर, बोलो क्या बन जाएगा, CH3C double bond N NH CO NH2, बोलो समझे कि नहीं समझे। अरे भाई समझ गए ना, बहुत अच्छे, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम हो जाएगा सर इथेनल सेमी कार्बेजोन, ये क्या है, ये है इथेनल, ये क्या है सर, ये है सेमी कार्बेजाइड, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इथेनल सेमी कार्बेजोन, एक कीटोन का कर लो, यही बस 5 रिएक्शन है, डरो मत, इसके आगे मत जाना। बताइए H2 और ये O निकल के बाहर क्या बनेगा, के पास NCERT है क्या अभी, अरे भाई NCERT है क्या, H2 नहीं होगी यार, ठीक है, जो नीचे बना उसका नाम बताओगे, ये है एसीटोन, ये हो जाएगा जो बना है वो एसीटोन सेमी कार्बेजोन, है ना, एसीटोन सेमी कार्बेजोन, ओके जी, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। अभी मत दुखी हो, अरे रुक जाओ बच्चे, हो गया बने, नेक्स्ट को रिडक्शन रिएक्शंस, ये खत्म, बैठ गई कितनी, हाँ तो अभी चलने दो, मिटा दे इसको, क्या चले मिटा दे, ठीक नेक्स्ट डालिए रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन
ठीक है। क्या एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के बारे में आप जानते हैं भाई? ये तो पढ़ा है हमने, एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल। वेरी गुड, बस हो गया काम। तो पहला क्या, सुनिए, रिडक्शन रिएक्शन, है ना? अच्छा हाँ सुनो भाई, तीसरी टाइप की प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुई हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना? चलो करो करो। बड़े सुनिए भाई, बच्चों बात नहीं करो, देखो लिखें एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विद, ये इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विद, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विद, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विद, ऑन रिडक्शन, सॉरी ऑन रिडक्शन गिव, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो किसके रिडक्शन से प्राइमरी और किसके रिडक्शन सेकेंडरी? वेरी गुड, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना? ओके, दिस रिएक्शन, चलो खैर छोड़ो यार, क्या लिखना है सब ये रिडक्शन, रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए होगा आप खुद ही बताओ। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम आप जानते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4, सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4, और H2 विद निकिल एंड प्लेटिनम, निकिल और प्लेटिनम, याद है ना? तीन है बस, रिडक्शन करना हो तो दो तीन तरीके हैं, H2 के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम प्लेडियम, क्लियर है ना? या फिर सीधे LiLH4 और कुछ नहीं लेना, बस फिर सीधे NaBH4 और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? देखिए तो RCHO की रिएक्शन LiAlH4 और NaBH4, ठीक है ना? दोनों में से कोई भी ले लेंगे, क्या बन जाएगा? LiLH4 ये बन जाएगा सर करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, या फिर RCHO की रिएक्शन H2 के साथ निकिल और प्लेटिनम, निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है ना? पैलेडियम क्या बन जाएगा? RCH2OH, RCH2OH, नहीं समझ में आ रहा है? देखो कैसे बना, RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एच इसको क्या मिल जाएगा? RCH2, हम तो क्या समझ गए? और उसमें क्या, वो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मींस एक ऐसा रिएजेंट जो कि नेसेंट हाइड्रोजन लगातार प्रोवाइड कर सकता हो। ये यहां पर जितनी नेसेंट होगी वो हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एक्टिव होगी, और जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उतनी जल्दी इस डबल बॉन्ड को तोड़कर उसके साथ ऐड हो जाएगी, समझ गए? उसमें अलग से हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ही, क्लियर है ना? बहुत अच्छे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन प्रोवाइडर हो, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर हो, ठीक है ना? क्लियर है? चलो अब बताओ CH3CHO की रिएक्शन H2 निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, बोलिए क्या करेंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH, C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन LiLH4, बोलिए क्या बन जाएगा भाई? सही है, सही है, वेरी गुड, सही जा रहे हो बच्चे, ठीक है ना? तो है ना, क्या हो जाएगा? CHOH CH3, ठीक है? यहाँ पर ये भी बता सकते हो ना, RC डबल बॉन्ड OR- प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम, कर लोगे ना? क्या बनेगा? RC, बताओ क्या होगा श्वेता? एक एच इसको RCHOH, ये क्या बन जाएगा? R- ठीक है? ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी हैं? रिडक्शन रिएक्शन,
प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। हो गया। नेक्स्ट गो, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, सेकेंड रिडक्शन टू, ये बता दूं, हाँ मतलब जैसे रिडक्शन रिएक्शंस का ये सही कह रहे हो, पहली थी ये, मतलब एक तो ये है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अगर आपने इन तीन केस में कराया, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेकर, या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेकर, या तो H2+ निकल प्लेटिनम पैलेडियम लेकर, तो इस केस में बनेगा अल्कोहल। लेकिन अगर आपने रिएजेंट बदल दिया, रिएजेंट बदल दिया मतलब जिंक अमलगम ले लिया, जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराने से करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बार बार कर हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन, एल्केन मतलब क्या, अगर होगा इथेनॉल तो इथेन, होगा प्रोपेनॉल सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल से इथेन, प्रोपेनॉल से प्रोपेन, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन, समझ में आ रही बात ना। करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग क्लियर है। जिंक अमलगम HCl लेकर, जिंक अमलगम HCl लेकर नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, अभी करवा रहा हूँ, पहले समझ में आ रहा है ना ये, बहुत अच्छे। तो मेन मुद्दा देखो, यानी कि रिडक्शन से अगर तुमसे अब मैं कोई ये कह दूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या फॉर्म होता है, आपका जवाब होगा एल्कोहल। अगर मैंने पूछा हमेशा तो जवाब होगा नहीं सर, आई बात समझ में। अगर केवल पूछ रहा हूँ मैं एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या फॉर्म होगा, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए सर एल्कोहल। मैं जवाब फिर मैं कहूंगा क्या हमेशा अल्कोहल ही फॉर्म होगा, तो जवाब होगा सर नहीं, अकॉर्डिंग टू रिएजेंट अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा अगर हम एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको क्या करा दें, रिड्यूस करा दें, ठीक है ना। तो रिडक्शन से अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है क्या, एल्डिहाइड। मैं पूछूंगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा या तो LiLH4 या तो NaBH4 या तो सर H2+ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। क्लियर सगुन, नहीं बात समझ में आ रही, ठीक। दूसरा, अब मैंने कहा भाई इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन भी बन सकता है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज, समझ में आ रही बात ना। अगर हम एल्डिहाइड में से भैया ओ निकाल लें और एच जोड़ दें तो ये तो भयंकर रिडक्शन, नहीं समझे, दोनों ही काम रिडक्शन के लिए होते हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है ना। बहुत अच्छे, तो जरा सा यहां ध्यान लगाओ, RCHO की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा देंगे, 4H, what do you mean by 4H, nascent hydrogen, nascent hydrogen के चार एटम लेकर किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम, अमलगम का मतलब होता है अगर कहा उसने Mg मैग्नीशियम अमलगम तो MgHg, और कहा जिंक अमलगम तो जिंक HG, मतलब मरकरी के साथ जब मिक्सचर बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या, अमलगम, समझ गए ना। तो ये जिंक अमलगम है, इसके साथ किसकी भी प्रेजेंस का होना जरूरी है, HCl, क्या बनाएगा भाई, ध्यान लगाओ ना बच्चों, 2H, इन चार H में से 2H और ये O, 2H तो O को रिमूव करा लेंगे, बन गया 2H, तो इस O को कुछ नहीं, चलो देखो 2H तो इस O को क्या करा लेंगे, रिमूव, क्लियर है ना, और 2H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, RCH3 प्लस साथ में क्या बनेगा, बोलो ना, H2O, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, CH3CHO प्लस 4H क्या बन जाएगा, बोल दो ना भाई, जिंक अमलगम HCl, ये बनेगा सर, बोलो बताओ बताओ, इथेनल से इथेन, तो मतलब क्या बन जाएगा, CH3 प्लस साथ में क्या बनेगा, H2। बस रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, ये बदलते ही मामला बदल गया। अगर इसी की जगह पर क्या होता, निकल प्लेटिनम पैलेडियम यूज करते हो, यहाँ H ही होता, खाली H कर 4H भी लिखा होता तब भी वही बनता, मतलब अगर 2H भी लिखा होता तब भी अल्कोहल ही बनता, समझ गया ना।
लेकिन अभी ये क्या है, इस तरह का कंपाउंड बन रहा है। एक और देख लो, CH3CO CH3। अब तुम्हें देखूंगा कौन बताएगा तुम में से, अगर मैंने इसकी रिएक्शन, पहली बात तो ये है क्या कीटोन, इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराई किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ, तो बोलो क्या बन जाएगा भाई, CH3। ये जो O है ना, ये O बाहर, दो H और ये O मिलकर H2O बाहर, और इसके साथ दो H अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3+H2O। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मुझे लगता है एकदम आसान है, समझ में आ रहा होगा आपकी, ठीक है। C6H5COCH3, इसका नाम कोई बताएगा मुझे बॉयस में से, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की रिएक्शन कराइए 4H के साथ, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में HCl भी लेकर, क्या बनेगा C6H5, ये क्या हो जाएगा CH2, और O चला जाएगा 2H के साथ, तो H2O, और यहाँ पर क्या जाएगा CH2CH3, इसका नाम मुझे कोई बताएगा क्या बायस में, बोलिए, इथाइल बेंजीन, क्या बना है इथाइल बेंजीन, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, समझ में आ रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, नोट करते जाना, ठीक है ना, साथ साथ क्लियर। अब दिस रिएक्शन, यानी दीज रिएक्शंस, दीज भी कह सकते हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, बोलोगा कोई बोलेगा, अरे वाह कौन है लड़का लड़की जो भी है, कोई बात नहीं, कौन है लेको, These reactions are called Clemmensen reduction. Clemmensen reduction important है भाई, CLEMMENSEN, Clemmensen reduction बहुत important है पेपर के लिए, ये भी कहते, ये भी नहीं बताइए, अब क्या करें तुम, तो यही सब कहते रहोगे तो फिर समझो कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ तुम लोगों से, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी एक रिडक्शन आया है, बोलो कौन सा, रोजेनमोंड रिडक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ध्यान से रखिए, समझ गया, रोजेनमोंड रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक और आया है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, समझ में आ रही बात, तीन रिडक्शन हो गया अभी तक, स्टीफन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, रोजेनमोंड रिडक्शन, एक और है वॉल्फ किशनर रिडक्शन, लेकिन ठीक है ना, हाँ एन एच टू सी में यूज होता है, सही बात है, बड़े नहीं, अरे जाओ ये तो करते हैं एक बार, बस ये वाला पूरा करा दें, ठीक है ना, क्या हुआ कोई बात नहीं, बड़े ठीक है, बस एक और देख लो भाई जल्दी से, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है ना, देखिए वॉल्फ किशनर रिडक्शन लिख लीजिए, वॉल्फ किशनर रिडक्शन ना, WOLF, बस अभी 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 लिखो, वॉल्फ किशनर, KISHNER है ना, देखो स्पेलिंग वॉल्फ किशनर, ठीक है ना, वॉल्फ किशनर रिडक्शन, भाई ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ बच्चों, हाँ मतलब रिडक्शन में ही है ये, रिडक्शन का कौन सा, रिडक्शन रिएक्शंस में एक तो हो गया आपका रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल, एक हो गया रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ये रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन ये भी है तो ये भी है, लेकिन इससे ये दूसरी टाइप होगी, दो अलग अलग रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए क्या करना होगा, RCHO की रिएक्शन पहले हम लोग किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजीन के साथ, भाई हाइड्रोजीन का फॉर्मूला जानते हो क्या, RCH2 H2N NH2, क्या होगा सर, H2O रिमूव हो जाए, ये तो यार पता है, अब इसमें तो नमक बोलो, H2O रिमूव हो जाएगा सर, क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH2, बोलो कोई समझ बात समझ में आ रही कि नहीं, RCH डबल बॉन्ड NNH2, क्या बन गया, हाइड्रोजोन, सर ये जो हाइड्रोजोन बनेगा, इस हाइड्रोजोन की रिएक्शन KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, किसका रिडक्शन हो जाएगा, किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, बोलो, नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड NN, ये NN जो है ना, तो NN, ये N2 बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH3 plus N2, भाई RCH
और ये दो H मिलकर क्या बन जाएगा RCH3, और ये दो N बाहर हो जाएंगे N2 के तौर पर। समझ में आई बात? RCH3 प्लस N2 किसकी प्रेजेंस में होती है? KOH प्लस ग्लाइकोल, ठीक है ना? KOH ग्लाइकोल, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर भी ले सकते हो। ऐसी देख रही है लड़की, पता नहीं जैसे मैंने क्या लिख दिया उसके ऊपर। क्या देख रही है उसमें? उसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है ना? KOH प्लस ग्लाइकोल, ठीक है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुमसे मैं पूछ बैठूं कि आप मुझे बस ये रिएक्शन बता दो, CH3CHO प्लस, भाई ध्यान दो, H2N NH2, बताओ क्या करोगे? डायरेक्ट आंसर लिखोगे, बोलो क्या? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मतलब इथेन, CH3 CH2, समझ गए ना? प्लस साथ में H2O प्लस N2, नहीं समझे? H2O कौन से, कहाँ से आया? पहले प्रोसेस से। N2 कहाँ से आया? सेकंड प्रोसेस से। समझ गए ना? H2O प्लस N2, यही रिएक्शन कहलाती है वॉल्फ किशन रिडक्शन, ठीक है ना? CH3CO CH3, बोलो भाई, H2N NH2, सेकंड KOH ग्लाइकोल, CH3CH2CH3 प्लस H2 प्लस N2, हो गया? ओके चलो, ये बच्ची बस 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 हो गया। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन के साथ में वाटर प्लस नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये सारी रिएक्शंस आपको आसान भी लगी होंगी और आपने इनको कायदे समझ लिया होगा। मुझे जरूरत लग नहीं रही है कि इनको आप कभी भी आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। आपसे अगर मैं पूछ लिया कल की क्लास में आकर हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला, दोबारा याद कराते जा रहा हूँ, H2N OH, हाइड्रेजीन का फॉर्मूला H2N NH2, H2N NH2, फिनाइल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला H2C6, H2N NH C6H5, H2N NH C6H5, फिनाइल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला, ठीक है? और DNP का फॉर्मूला H2N NH C6H5 के ऊपर 2 और 4 पोजीशन पर NO2, ठीक है ना? DNP का फॉर्मूला है ये, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है ना? सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला H2N NHCO NH2, H2N NHCO NH2, सेमी कार्बेजाइड। 5 तो ये हो गए, इनको 5ों को याद कर लो। हाइड्रोक्सिलेमीन से बनता है क्या? ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिलेमीन से ऑक्साइम, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजीन से फिनाइल हाइड्रेजोन, समझ गए ना? और DNP से DNP हाइड्रेजोन, समझ गए ना? फिनाइल हाइड्रेजोन, क्लियर है? और सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, क्लियर? उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी, कौन सी? अल्कोहल का रिडक्शन, सॉरी LDR का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 NaBH4 या H2 निकल प्लेटिनम प्लेडियम, सर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। कीटोन से बनेगा सेकेंडरी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, क्लियर है? क्लियर? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। कीटोन से बनेगा सेकेंडरी, LDR से बनेगा प्राइमरी, क्लियर है? बहुत अच्छे। उसके बाद सर आगे बढ़े तो अगर रिडक्शन ही कराना हो तो सर क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए दो टाइप के रिडक्शन, वॉल्फ किशन रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में सर 4H जिंक अमलगम, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, 4H जिंक अमलगम, तो सर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा डायरेक्ट, क्लियर? और क्या हो जाएगा? H2O बाहर होता है क्या उसमें? हाँ, क्लियर है? बहुत अच्छे। और सर वॉल्फ किशनर रिएक्शन में क्या हो जाएगा? पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिर KOH ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन, H2O और N2 दो चीज निकलेंगी और करस्पॉन्डिंग LDR हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, पूरे को समराइज कर दिया, बाकी आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।